नमस्ते, आज का सेशन है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द स्टेट यानी अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एवं विकास, एरिस्टोटल ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सत जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अतः यदि समाज के आरंभिक रूप प्राकृतिक हैं तो राज्य की वही स्थिति है, क्योंकि वह उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्रकृति उनका चरम लक्ष्य होती है। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तु ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, सर्वप्रथम वह मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृति जन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृति जन्य है। राज्य में वही गुण विद्यमान है जो इसका राज्य करने वाली पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाइयाँ अरस्तु व्यक्ति को मानता है जो अकेले में अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों को आवश्यक होती है। परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्तियों को कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं, जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक समुदाय यानी नेचुरल एसोसिएशन है। उसी अर्थ में राज्य भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। दूसरा, राज्य को प्राकृतिक कहने का एक अन्य कारण भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य और लक्ष्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। इसे व्यक्ति के जीवन का महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है। अतः सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण ही राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था यानी परिवार की स्थापना की, जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीच दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। पारिवारिक स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि ये कि संतान की उत्पत्ति और राज्य की आवश्यकताओं को पूरी करता है। अरस्तु के शब्दों में, जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप में इस प्रकार मिल जाते हैं तो वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं तथा वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य के विकास का स्वरूप, अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है। अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी और ऑर्गेनिक या जैविक है। व्यक्ति जीवन और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इनके विकास की अंतिम परिणति राज्य में होती है। अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं ये कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य व्यक्ति से पूर्व संगठन है, राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, राज्य स्वयं नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र राजनीतिक संगठन है, राज्य विविधता एकता है, राज्य एक क्रमिक विकास है, राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है, संविधान राज्य की पहचान है, राज्य और शासन में भेद है। राज्य के अनुसार राज्य के उद्देश्य व कार्य, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सजीवन के लिए मात्र जीवन के लिए नहीं है। यदि उसका उद्देश्य मात्र जीवन को बनाए रखना होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वे राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि ना तो जीवन के आनंद में उसका कोई हिस्सा होता है, ना ही पसंद का जीवन जी सकते हैं। राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए या अन्याय से सुरक्षा के लिए भी नहीं होता, ना परस्पर संसर्ग तथा विनिमय के लिए होता है, क्योंकि तब तक टेरेनियन या कार्थेजियन थे, तब तक सब लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ वाणिज्य संधियां कर रखी हैं एक ही राज्य के नागरिक होते। अतः हमारा निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए है, मात्र सहचार्य के लिए नहीं। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक है। उसका ये दृष्टिकोण लॉक और स्पेंसर जैसे व्यक्तियों के नकारात्मक और विध्वंसक दृष्टिकोण से पूर्णतः भिन्न है।